सो हमारा स्टिकर रेडी है भाई हीट प्रेस के लिए। हीट प्रेस के लिए हमने मशीन ऑन कर ली है और हमने उसका टाइम टेम्परेचर भी सेट कर लिया है। जो टी शर्ट हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो कॉटन टी शर्ट है। ये स्टिकर आप किसी भी फैब्रिक पे प्रिंट कर सकते हैं, पॉलिस्टर हो, लाइक्रा हो या कोई भी फैब्रिक हो, उस पर आप हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम हीट ट्रांसफर स्टिकर बिना हीट ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो 20 सेकंड के लिए सेट होना चाहिए और 160 डिग्री पे सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने, अगर आप अभी अपना जो टी शर्ट का पीस है जो अपना फ्रेश निकालते हैं पैकिंग में से, तो आपका रिंकल्स आ जाते हैं उसके ऊपर। रिंकल्स को क्लियर करने के लिए आपको 5 सेकंड के लिए हीट प्रेस करना है ताकि आपके रिंकल्स रिमूव हो जाए टी शर्ट पे से। ये देख सकते हैं हमारे रिंकल्स टी शर्ट्स के चले गए। टाइम डिक्रीज होना शुरू हो गया, 0 पे हमारा ये टी शर्ट प्रिंट हो चुका है। हमारा टी शर्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा जो विनाइल था, ये स्टिकी विनाइल था जो ये चिपक जाता है, तो हमारे स्टिकर को पहले ही ये स्टिक कर देता है और हीट प्रेस से और बेहतर प्रिंट आता है। तो ये देखिए आपका टी शर्ट रेडी हो चुका है।